आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जावेद अख्तर खान अपने टीम मेंबर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो लेक्चर सीएफजी फॉर इफ स्टेटमेंट के लिए है। जैसे कि हमने कई बार अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया है, ओके। सो बेसिक ऑफ इफ स्टेटमेंट वी ऑलरेडी नो दैट कि इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है, इफ स्टेटमेंट का कोड कैसे लिखते हैं, ओके। सो इफ आता है, इफ होगा, फिर उसके बाद उसकी कंडीशंस होंगी, कंडीशंस अगर फेल हो गई तो एल्स का सेगमेंट आता है। तो एक इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, इफ हो गया, इफ के बाद यहाँ पे वॉट एवर दी कंडीशन यू आर राइटिंग इन योर कोड सेगमेंट लाइक दैट, देन आफ्टर इफ इट इज द कंडीशन इज ट्रू देन यू विल कम इनसाइड, इफ द कंडीशन इज फेल देन एल्स पार्ट विल बी इवैल्यूएटेड, अगर कंडीशन नहीं है तो एल्स पार्ट जो है वो इवैल्यूएट होगा, और इस तरीके से हमारा जो इफ स्टेटमेंट है वो काम करता है, ओके। सिंपल इफ स्टेटमेंट की बात करी, अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं कर रहे हैं, आगे जब हम अगले वीडियोस को देखेंगे तब हम इसको थोड़ा सा लिटिल बिट इंक्रीज करेंगे, लेटर इफ के बारे में भी जानेंगे और उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो इफ स्टेटमेंट है ये सिंपल स्टेटमेंट है, जो हमने देखा इफ होगा, कंडीशन होगी, बॉडी स्ट्रक्चर यानी ब्लॉक होगा, फिर उसके बाद एल्स का ब्लॉक होगा, अगर कंडीशन यहाँ फेल होती है तो यहाँ पर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो अबाउट द बुलियन एक्सप्रेशंस। बुलियन एक्सप्रेशंस का सीएफजी पिछले वीडियो में हमने कवर किया था। अब यहाँ पर बुलियन एक्सप्रेशंस का रोल देखते हैं, यानी वो जो सीएफजी का सेगमेंट था जो हम बना चुके थे बुलियन एक्सप्रेशंस के लिए, वो यहाँ कैसे काम करता है। तो बुलियन एक्सप्रेशन वी ऑलरेडी नो दैट। अब यहाँ जो इफ स्टेटमेंट है जिसके लिए अभी हम सीएफजी बनाने वाले हैं, उसमें बुलियन एक्सप्रेशंस का क्या काम है पहले तो ये समझ लें। तो बुलियन एक्सप्रेशन, अगर कंडीशन ट्रू होती है, इफ दिस कंडीशन ट्रू देन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक will be executed, okay? अगर कंडीशन आपकी, ये कंडीशन अगर आपकी फेल होती है तो जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। इसको अगर मैं बोल देता हूँ दिस इज योर ब्लॉक नंबर ए एंड दिस इज योर ब्लॉक नंबर टू, ब्लॉक नंबर बी, सो दिस विल बी एग्जीक्यूटेड। नाउ वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड द सी एफ जी फॉर बुलियन एक्सप्रेशन इन द लास्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर ना। यहाँ पर ये बुलियन एक्सप्रेशन इस तरह से काम करेगा, और पॉइंटर को जो भी स्टेटमेंट बुलियन एक्सप्रेशंस के हिसाब से ट्रू और फॉल्स है उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने में मदद करेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इफ स्टेटमेंट की जो सी एफ जी है वह कैसे बनेगी। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमने बना के रखे हैं इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के लिए, ओके। इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के लिए यहाँ पर ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो बने हैं, सीएफजी जो बनी है, यह सीएफजी जो है वो प्रोग्रामिंग, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, उनके लिए ये यूज होती है, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव इज दैट वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द सीएफजी इज वर्किंग ऑन अ बिहाफ ऑफ कॉन्टेस्ट, ऑन अ बिहाफ ऑफ दैट इफ स्टेटमेंट, ओके। नाउ स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट नंबर वन, एज यू सीन इन द स्क्रीन, स्टेटमेंट एस टी एम टी हियर इज नथिंग बट दैट इज द नॉन टर्मिनल एंड कंसीडर एज अ स्टेटमेंट, ओके। एस टी एम टी जो है यह एज अ नॉन टर्मिनल है, क्यों, क्योंकि हम सी एफ जी बना रहे हैं और सी एफ जी के बेसिक कंपोनेंट वी आर ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस, ओके। सो वी टी पी एस शुड बी देयर। तो यहाँ पर भी हमें जो नॉन टर्मिनल है वो लेफ्ट हैंड साइड पर बना के रखे हुए हैं। यहाँ हम दो नॉन टर्मिनल जैसे यूज कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं और एक हमने एक्सप्रेशंस यूज किया। इस एक्सप्रेशंस में जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने ट्रू और फॉल्स भी यूज किया है लाइन नंबर फोर एंड लाइन नंबर फाइव में, क्लियर। लाइन नंबर फोर एंड लाइन नंबर फाइव में आप देखिए ट्रू और फॉल्स किया है। तो यह चंक ऑफ स्टेटमेंट set of production rule is dedicated for the boolean expression, clear। then next remaining two line, that is line number or statement and end statement, we were already discussed that one also, correct, ki true or false ke liye kaise kaam karega, okay। then not, we were already completed, and the left parenthesis and right parenthesis, these things we were already completed, okay। now you will see the previous four line, ये प्रीवियस फोर लाइन जो है यह ग्रामर
इफ स्टेटमेंट के लिए है, और ये पूरा का पूरा जो ग्रामर सेगमेंट है ये इस इफ ब्लॉक के साथ कैसे मैपिंग होती है, इफ की कोडिंग कैसे इवैल्यूएटेड होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसे मैप होता है, ये पूरा का पूरा ये ग्रामर कवर कर रही है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट नंबर वन से। आपने इफ स्टेटमेंट लिखा, ओके, ये इफ स्टेटमेंट हमने लिख दिया जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ओके। लेफ्ट पैरेंथेसिस है, यस, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, ये भी आ गया हमारे पास। फिर एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन यानी आप कंडीशंस लिखेंगे, यहाँ आपने कंडीशंस लिख दी, वॉट एवर यू वॉन्ट यू विल राइट डाउन द कोड, ओके। फिर राइट पैरेंथेसिस होगा, यस, राइट पैरेंथेसिस हो गया। फिर स्टेटमेंट है, अगर आप लिखना चाहें तो वेल एंड फाइन, अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहें तो छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। सो लाइन नंबर वन ऑफ सेगमेंट इज कंप्लीटेड, ओके। नाउ कम टू लाइन नंबर सेकेंड इफ। अब ये वाला तो कोड हो गया, अब यहाँ पर जो लाइन नंबर सेकंड इफ है वो इफ एल्स के बारे में है, इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स, यानी लैडर इफ के बारे में बात कर रहा है। अगर इफ यू आर, हम जनरली यूज भी करते हैं कई बार प्रोग्रामिंग में, एक से ज्यादा इफ एल्स को यूज कर ले तो उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा, उसके इवैल्यूएशन के लिए यहाँ स्टेटमेंट नंबर टू लिख दिया जो एल्स स्टेटमेंट को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है, ओके। तो देखिए आप यहाँ स्क्रीन पर सेट ऑफ प्रोडक्शन नंबर टू, स्टेटमेंट If, left parenthesis, फिर जो भी expression या condition आप दें वो, right parenthesis, फिर statement आएगा, फिर statement जो आएगा वो आपका जो statement है else block के लिए, here, now again here else statement, condition check होगी और फिर ये statements जो block है ये execute होंगे, okay? So guys, these are the set of rules, these are the list of set of rules for mapping the if and else for your high level programming language. तो इसको conclude कर लेते हैं हम इस video को। अभी हमने जो देखा, ये set of rules जो हैं, ये एक contest free grammar है। इस contest free grammar से हम if and else, या तो वो simple if and else हो, ladder if else हो और nested if else हो, इन conditions को satisfy कर सकते हैं, ओके। जो प्रोग्रामर जो है, जो प्रोग्रामर जैसे मैं, आप या जो भी स्टूडेंट्स प्रोग्राम करता है, इफ एल्स एल्स के साथ प्रोग्राम बनाता है, तो वो मैप कैसे होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चूज कर लीजिए, सी चूज कर लीजिए, सी प्लस प्लस चूज कर लीजिए, क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर इन सेट ऑफ रूल्स से ग्रामर समझता है। अगर कंपाइलर इन सेट ऑफ रूल्स को, इफ एंड एल्स के स्ट्रक्चर्स को, इन स्ट्रक्चर्स को मैप करने के लिए यूज कर रहा है, और कहीं कंपाइलर अगर मैपिंग फॉल्स होती है तो कंपाइलर के पास इमीडिएट उसका एरर मैसेज जाता है, और एरर मैसेज एरर हैंडलर जो है वो उसको टेक केयर करेगा। एरर मैसेज आपको बोलेगा कि फंक्शन शुड रिटर्न अ टाइप, रिटर्न जीरो इज मिसिंग, इफ एंड एल्स कंडीशन इज नॉट प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड, ओके। तो गाइज, इफ एंड एल्स के लिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है जो हम आने वाले वीडियोस पर डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंडीशंस आती हैं जब इफ एल स्ट्रक्चर जो है वो ट्रू है बट कंपाइलर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ओके। सो थैंक यू सो मच, मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इफ एल एल्स कैसे काम करता है, सिंपल इफ एंड एल्स कैसे काम करता है, इफ इफ एल्स लैडर इफ कैसे काम करते हैं, नेस्टेड इफ कैसे काम करते हैं, ये पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर ऑफ इफ हैं ये इन सेट ऑफ रूल से कंसीडर या एक्सेप्ट या मैप्ड हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच लिसनिंग दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।